नमस्कार दोस्तों, आपका राजस्थान एंड बायोलॉजी किचन में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख मंदिर और अलग अलग ज़िलों में किस प्रकार से कौन से स्थान पर हैं, और बहुत सारी परीक्षाओं में इन मंदिरों के बारे में पूछा भी जाता है। फर्स्ट ग्रेड मान लो, सेकंड ग्रेड, अन्य भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ हैं जिनमें राजस्थान के मंदिर आ रहे हैं, और हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो गलती न हो हमारे से, हम एक ज़िले के पहले जितने भी मंदिर हैं उनको एक साथ एकत्रित किया है, उनके नोट्स बनाए हैं, तो उसी आप को नोट्स पढ़ा रहे हैं। तो आप इनको अच्छी तरीके से देखिए एक बार, और आप भी इनको देखकर नोट्स बना सकते हैं। और हम आपको जल्द से जल्द, हमारा एक दूसरा चैनल है वहाँ पर आपको PDF भी उपलब्ध कराने की पूरी सोच रहे हैं। उस चैनल पर केवल आपको PDF भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो दोस्तों, हम जल्द से जल्द आपको वो चैनल भी बताने वाले हैं, तो इसलिए आप वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में देखिए, सूर्य मंदिर, शिला देवी का मंदिर, जगत शिरोमणि का मंदिर, गिरधर जी का मंदिर, नरसिंह मंदिर, हरिहर मंदिर और बिहारी मंदिर, ये जो भी मंदिर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 मंदिर हैं वो आमेर में, यानी जयपुर का जो आमेर है, आमेर स्थान में ये 7 मंदिर। तो आप कह सकते हैं कि जयपुर में सबसे ज़्यादा मंदिर कहाँ पर है, आमेर में है। तो जयपुर का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा, यानी आमेर है, उस आमेर में सबसे ज़्यादा है वो मंदिर है जयपुर का में। उसके बाद हम देखें, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है वो प्रॉपर जयपुर में है, और गोविंद जी का मंदिर है वो भी जयपुर के अंदर ही है, और गढ़ गणेश का मंदिर की है तो वो भी कहाँ पर है, जयपुर में है। उसके बाद हम बात करें उदयपुर के, तो सास बहू का मंदिर, तो ये जो मंदिर है वो है उदयपुर में। और उदयपुर में कौन सा स्थान, इस स्थान का नाम भी आपको याद रखना है, उदयपुर में तो है लेकिन कौन से स्थान पर है, नागंदा स्थान पर है वो सास बहू का मंदिर है। उसके बाद एकलिंग जी का मंदिर है वो भी उदयपुर में है, लेकिन स्थान कौन सा है, कैलाशपुरी स्थान पर ये मंदिर बना हुआ है। उसके बाद देखें हमें कि उदयपुर में कौन सा है, तो 3 नंबर की अगर बात करें तो जगदीश जी मंदिर, जगदीश जी का जो मंदिर है वो भी कहाँ पर है, उदयपुर में है, और ये प्रॉपर उदयपुर में ही है, ये उदयपुर में ही है। उसके बाद हम देखें अंबिका मंदिर, अंबिका मंदिर तो ये कौन से स्थान पर है, ये उदयपुर में तो है लेकिन उदयपुर के एक स्थान है, कौन सा स्थान, जिसको बोलते हैं जगतपुर, जगतपुर, तो पूछ लिया जाए कि अंबिका मंदिर कहाँ पर है, तो जगतपुर में है, और जगतपुर कहाँ पर है, उदयपुर में है। उसके बाद एक अबूनाथ जी का मंदिर, अबू नाथ जी का मंदिर, तो अबूनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, नागंदा, और ये नागंदा कहाँ पर है, उदयपुर में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि अबूनाथ जी का मंदिर है वो नागंदा उदयपुर में स्थित है। उसके बाद हम देखें एक मंदिर और रह जाता है, और वो है केसरिया नाथ मंदिर, उदयपुर का है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये केसरिया नाथ का मंदिर, और ये उदयपुर में है। और कौन से स्थान पर है, ये ऋषभदेव कहाँ पर है, ये ऋषभदेव स्थान पर ये मंदिर स्थित है। उसके बाद हम अजमेर की बात करें, अजमेर में कौन कौन से मंदिर हैं, अजमेर, तो अजमेर में पहला मंदिर आप देखें तो हम आपको दिखाएं कि पहला मंदिर जैसे 9 ग्रहों का मंदिर है, 9 ग्रहों का मंदिर अजमेर में तो है लेकिन कौन से स्थान पर है, कौन से स्थान पर है, वो है किशनगढ़ पर, यानी किशनगढ़ स्थान में, जो किशनगढ़ है वहाँ पर कौन सा है, 9 ग्रहों का मंदिर किशनगढ़ में स्थित है अजमेर के। उसके बाद हम बात करें बर्मा जी का मंदिर, तो बर्मा जी का मंदिर है वो भी कहाँ पर है, पुष्कर, कहाँ पर है, पुष्कर में, और पुष्कर कहाँ पर पड़ता है, अजमेर में, ठीक है।
उसके बाद हम बात करें रंगनाथ जी का मंदिर, रंगे नाथ जी का मंदिर, तो ये मंदिर भी कहाँ पर है? अजमेर में है, ये मंदिर भी अजमेर में स्थित है। और सोनी जी का मंदिर या सोनी जी की नसिया कह सकते हैं आप, तो ये भी कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। सावित्री मंदिर, सावित्री मंदिर भी कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। अजमेर के कौन से स्थान पर? पुष्कर स्थान पर। तो ये आपको याद रखना है कि सावित्री मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर में स्थित है, जो अजमेर में स्थित है। उसके बाद देखें हमें बेकुंठ नाथ का मंदिर, तो बेकुंठ नाथ का जो मंदिर है वो भी पुष्कर में ही स्थित है। दोस्तों इन्हें आप मंदिरों को एक बार याद कर लें, इनसे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। और अगला है काचरिया मंदिर, काचरिया मंदिर, और ये है किशनगढ़ में, किशनगढ़। तो ये हो गए अजमेर के जो भी महत्वपूर्ण है, यानी मोस्ट जो भी मंदिर थे अच्छे थे, जो परीक्षा की दृष्टि से, वो आपको यहाँ पर कवर करवा दिए गए हैं। तो आपको जयपुर, उदयपुर और अजमेर। अब आगे हम देखते हैं बीकानेर के मंदिरों के बारे में बात करें। बीकानेर, बीकानेर में कौन कौन से मंदिर हैं और कौन कौन से स्थान पर हैं? तो सबसे अगर पहले देखें कोलाइत, यानी जो कोलाइत स्थान है वहाँ पर कौन सा मंदिर है? कोलाइत जो स्थान है वहाँ पर मंदिर है कपिल का, कपिल देव जी का मंदिर। किसका मंदिर है? कपिल देव जी का मंदिर है। ये हो गया बीकानेर के कपिल देव जी का मंदिर, जो कहाँ पर है? कोलाइत में स्थित है। उसके बाद हम देखें बीकानेर प्रॉपर, बीकानेर में कौन सा है? वो है नागनेच जी का मंदिर, ठीक है। और उसके बाद बीकानेर में ये हो गया। उसके बाद एक है देशनोक में, यानी बीकानेर का कौन सा स्थान है? देशनोक है। और देशनोक में आप जानते भी होंगे, देशनोक में किसका मंदिर है? करणी माता का मंदिर है, करणी माता का मंदिर, ये हो गया करणी माता का मंदिर। उसके बाद ये है बीकानेर के, तो बीकानेर के ये तीन है मंदिर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट है, आपको इनको याद करना है। हर कंपटीशन एग्जाम में इन्हीं तीनों में से एक बार पूछा जाता है, या तो कोलायत का यानी कपिल देव जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, वो कोलायत में, या नागनेन जी का मंदिर कहाँ पर है, ये प्रॉपर बीकानेर में स्थित है। और तीसरा कौन सा था? देशनोक में, और देशनोक कहाँ पर है? बीकानेर जिले में है, और वहाँ पर उसका मंदिर है, करणी माता का मंदिर है। उसके बाद सिरोही, सिरोही की बात करें, सिरोही में कौन कौन से मंदिर हैं और कौन कौन से स्थान पर हैं? तो पहले हम देखें माउंट आबू, माउंट आबू, तो माउंट आबू में दिलवाड़ा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, ये चीज़ें तो इनको आप एक बार जरूर याद करें। माउंट आबू में यानी सिरोही जिले में माउंट आबू जो स्थान है वहाँ पर किसका मंदिर है? दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। और उसी स्थान पर एक और है माउंट पर, और जिसका नाम है लुणवसही का मंदिर। और तीसरा वहाँ पर है विमल वसही का मंदिर। ये तीन मंदिर हैं जो माउंट में हैं। तीनों मंदिर कहाँ हैं? माउंट, और माउंट कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। और एक है सिरोही प्रॉपर में, जिसको आप बोलते हैं हमें विशिष्ट जी का मंदिर, ये हो गया विशिष्ट जी का मंदिर। तो ये है सिरोही जिले के महत्वपूर्ण मंदिर जिसके बारे में हमने पढ़ा है। आगे हम चित्तौड़गढ़ लें, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बारे में देखें, तो चित्तौड़गढ़ में देखें जो बेंसोरगढ़ है, बेंसोरगढ़ वहाँ पर कौन से मंदिर, उसके बारे में बात कर लें। तो वहाँ पर एक मंदिर है
बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं बाड़ोली मंदिर, बाड़ोली का मंदिर। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि ये बाड़ोली का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो चित्तौड़ ने आपको स्थान, यानी ऑप्शन में कई बार चित्तौड़ नहीं आता है, इसे नाम ये दिया जाता है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर है। ये चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। उसके बाद जैसे मीराबाई का मंदिर है, मीराबाई, तो ये भी कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में ही स्थित है। कुंभ श्याम का मंदिर है, कुंभ श्याम का मंदिर, तो ये भी कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़ में स्थित है। और एक मंदिर है सांवलिया मंदिर, सांवलिया का मंदिर, और सांवलिया का मंदिर है मंडफिया में, और ये मंडफिया कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। एक मंदिर कालिका माता का मंदिर, कालिका माता का मंदिर, और ये कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। तो कालिका माता का और कुंबल का और मीराबाई का, ये तीनों ही क्या है, चित्तौड़गढ़ में है। और सांवलिया का मंदिर है वो मंडलिया फिया में, और वैसौरगढ़ यानी बाड़ोली का मंदिर वहाँ पर स्थित है। तो ये हमने पढ़े चित्तौड़ के बारे में मंदिरों की पूरी डाटा। उसके बाद प्रतापगढ़ के बारे में देखें, प्रतापगढ़ मैं आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण जो मंदिर है राजस्थान में उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्रतापगढ़ में देखें तो प्रतापगढ़ में दो मंदिर हैं, एक तो है अम्बा माता का मंदिर, अम्बा माता का मंदिर जो कहाँ पर स्थित है, प्रतापगढ़ में ही है, प्रतापगढ़ में स्थित है। दूसरा है प्रतापगढ़ का एक स्थान है अरनोद, कौन सा स्थान है, अरनोद स्थान है, और वहां पर एक प्राचीन काल का एक मंदिर है जिसको बोलते हैं गोतमेश्वर, गोतमेश्वर का मंदिर, ये बहुत ही प्राचीन काल का मंदिर है। तो प्रतापगढ़ में दो ही मंदिर हैं, एक तो अरनोद में और दूसरा प्रतापगढ़ में। तो प्रतापगढ़ में तो अम्बा माता का मंदिर, और अरनोद में है गोतमेश्वर का मंदिर। उसके बाद हम पढ़े राजसमंद के बारे में, अगला जिला है हमारा राजसमंद। तो राजसमंद के बारे में देखें तो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो कहां पर है, राजसमंद में, और राजसमंद में एक स्थान है नाथ द्वारा, नाथ द्वारा, और वहां पर है श्री नाथ जी का मंदिर, श्री नाथ जी का मंदिर वहां पर है स्थित है। दूसरी बात देखें तो वहां पर एक स्थान है राजसमंद में, ये तो कहां पर था, नाथ द्वारा में था, और दूसरा स्थान है वहां पर कांकरोली, कौन सा स्थान है, कांकरोली, और कांकरोली में वहां पर है द्वारकाधीश का मंदिर, द्वारकाधीश का मंदिर। ये राजसमंद के कौन से, कांकरोली में है, और ये क्या है, नाथ द्वारा में है। और तीसरा वहां पर एक स्थान है गड़बोर, और वहां पर मंदिर है चारे बुझा मंदिर, कौन सा, चारे बुझा मंदिर है राजसमंद में। तो ये तीन मंदिर है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छे हैं, नाथ द्वारा मंदिर, कांकरोली और गड़बोर, ये तीनों स्थानों के नाम है। और मंदिरों के नाम आपको श्रीनाथ जी का मंदिर, द्वारकाधीश का मंदिर और चार बुझा मंदिर, ये है सारे के सारे कहाँ पर है, राजसमंद जिले में स्थित हैं। उसके बाद देखिए नागौर, नागौर की बात करें, नागौर तो नागौर में एक तो देखिए मेड़ता सिटी, मेड़ता सिटी, यह है मेड़ता सिटी, नागौर की जो मेड़ता सिटी है वहां पर कौन सा मंदिर है, मीराबाई का मंदिर, मेड़ता सिटी में है मीराबाई का मंदिर। दूसरा वहां पर एक स्थान है जायल, और जायल पर एक मंदिर है दतिमती का, दतिमती माता का
मंदिर है और एक है भावल मेड़ता, ये भी एक स्थान का नाम है नागौर में भावल मेड़ता। और वहाँ पर कौन सा मंदिर है, वहाँ पर है भावल माता का मंदिर, माता का मंदिर। तो ये था हमारा कुछ जिलों के मंदिर और ये पार्ट नंबर क्या था, फर्स्ट था। और अगला पार्ट सेकंड है, उनमें इसी मंदिरों के आगे जो जिले बचे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को आगे भी देखें। धन्यवाद। जय हिंद।